नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में कब कौन सा सियासी समीकरण बनने लगे ये कह पाना मुश्किल होता है। बिहार में मौजूदा सरकार के चार घटक दल हैं, भाजपा, जदयू और वीआईपी के साथ साथ मांझी की पार्टी हम हैं। इन सारे दलों के बीच जिस तरीके का समीकरण फिलहाल बना हुआ है, ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि सरकार कितने दिनों तक चलेगी और किसका किसके साथ संबंध विच्छेद हो सकता है। कुछ दिनों पहले जो बिहार में एनडीए का स्वरूप था, उसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा भी थी, लेकिन चुनाव के पश्चात आपने देखा किस तरीके से एनडीए से ही चिराग पासवान की छुट्टी करने की तैयारी कर दी गई और बाद में उनके हाथ से उनकी पार्टी भी छीनने का पूरा प्रबंध कर दिया गया। अब चिराग पासवान और उनके चाचा लोजपा के लिए लगातार संघर्षरत हैं, एक लोजपा और दो उसके सीधे तौर पर दावेदार। ऐसी परिस्थितियों में चिराग पासवान जनता का रुख कर चुके हैं और लगातार जनता से मुखातिब हो रहे हैं। इस दौरान जनता का ज़बरदस्त प्यार भी उन्हें मिल रहा है, लेकिन इसी बीच 12 सितंबर को अपने पिता की बरखी यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की जो स्मृति है उसको वो मनाने जा रहे हैं और इस दिन के कार्यक्रम में उन्होंने जो न्योता दिया है वो सुनकर आप चौंक जाइएगा। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को भी कहीं ना कहीं इसमें स्वागत किया है और खुद मिलकर उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इसमें न्योता दिया है। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेताओं को, अमित शाह तक को न्योता दिया है मिलकर, और सबसे बड़ी बात अपने चाचा को भी इस कार्यक्रम में उन्होंने बुलाया है। पशुपति कुमार पारस का नाम तक इस कार्ड पर मौजूद है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इस कार्यक्रम के तहत कहीं ना कहीं जनता से जो स्नेह प्राप्त हुआ है उसे उसका भी राजनीतिकरण करना चाहते हैं, उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं और साथ ही साथ बिहार के राजनीतिज्ञों को, अलग अलग पार्टियों के राजनीतिज्ञों को और साथ साथ नीतीश चाचा को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे बिहार में राजनीतिक समीकरण आने वाले में समय में वो गढ़ने वाले हैं। अब एक बड़ी खबर और आ रही है कि लगातार जो चर्चाएँ चल रही थी कि आखिर कब चिराग और तेजस्वी की मुलाकात होगी, तो उन समीकरणों पर भी अब पर्दा हट चुका है। आपको बता दें कि जिस वक्त ये आप खबर देख रहे हैं उस वक्त ये तय हो गया है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी। चिराग पासवान अपने पिता के इस कार्यक्रम को लेकर, बरखी कार्यक्रम को लेकर तेजस्वी यादव को न्योता देने पहुंचे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं एक हाथ भी बढ़ा दिया है जिससे आने वाले समय में दो युवा जो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार राजनीति कर रहे हैं और बिहार में जो संभावनाएं हैं विकास की उनको तलाश रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, सड़कों की मरम्मत की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वो एक मंच पर आकर नीतीश कुमार की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। अब आगे क्या होता है इस पर तो चर्चा हम करेंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये स्पष्ट हो गया है कि एक मंच पर कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम के माध्यम से ही चिराग और तेजस्वी आ गए हैं। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये मुलाकात कौन सा नया फलसफा लेकर आती है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।